दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन के बारे में कि किस तरह से हम किसी सेकेंड ऑर्डर के लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। किसी भी सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का कंप्लीट सॉल्यूशन होता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल, दैट इज कंप्लीट सॉल्यूशन इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, इन शॉर्ट CF, दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल, इन शॉर्ट PI। चलिए इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन की कि किस तरह से हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड आउट करते हैं और उसके क्या रूल्स हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री इट्स n, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन की बात करेंगे। तो सबसे पहले हमें यह समझ लेना चाहिए दोस्तों कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन के लेफ्ट पार्ट से हमें कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन मिलता है। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन मिलता है डिफरेंशियल इक्वेशन के लेफ्ट पार्ट से और राइट पार्ट से हमें मिलता है उसका पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड आउट करने का फर्स्ट स्टेप है हमें गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑक्सिलरी इक्वेशन फाइंड आउट करना होता है। ठीक है, मान लीजिए कि आपके पास कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है ठीक है, तो सबसे पहले हमें इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन फाइंड आउट करना होगा। चलिए ऑक्सिलरी इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, डी ओवर डी एक्स को किसी भी वेरिएबल से सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। मान लीजिए से डी ओवर डी एक्स इक्वल टू एम, देन डी स्क्वायर ओवर डी एक्स स्क्वायर को हम एम स्क्वायर से सब्स्टिट्यूट करेंगे एंड सो ऑन। ठीक है, तो अभी हमने क्या किया, हमने इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन बना लिया, दैट इज एम स्क्वायर माइनस फाइव एम प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो। दैट इज हमारे ये डिफरेंशियल इक्वेशन का हमने एक ऑक्सिलरी इक्वेशन बना लिया जिससे हमें इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन मिलेगा। मान लीजिए इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद हमारे जो रूट्स आते हैं वो अल्फा और बीटा आते हैं। सेकेंड स्टेप होगा फाइंड द रूट्स। सपोज रूट्स आर, क्योंकि अब रूट्स हमने निकाल लिए हैं तो रूट्स के नेचर के आधार पे हमारे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के चार केसेस हो सकते हैं। द फर्स्ट केस इज सपोज योर रूट्स आर, जब आपके जो रूट्स हैं वो रियल हैं, बट रूट्स आर रियल बट दे आर डिस्टिंक्ट। ठीक है, आपके जो रूट्स हैं वो रियल हैं और डिस्टिंक्ट हैं। से ये रूट्स आर अल्फा एंड बीटा, इन दैट केस आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होगा, CF, दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होगा, C1 e रेस टू पावर अल्फा एक्स प्लस C2 e रेस टू पावर बीटा एक्स। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट केस क्या होगा, मान लीजिए अब आपके जो रूट्स हैं वो रियल नहीं है, दे आर इमेजिनरी एंड डिस्टिंक्ट। सपोज योर ऑक्सिलरी इक्वेशंस रूट इमेजिनरी एंड डिस्टिंक्ट। अगेन सेम केस फॉलो होगा, मान लीजिए जैसे आपके रूट्स जो हैं माइनस अल्फा एंड माइनस बीटा हैं, देन आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होगा, योर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन विल बी C1 e रेस टू पावर माइनस अल्फा एक्स प्लस C2 e रेस टू पावर माइनस बीटा एक्स। करेक्ट,
नेक्स्ट थर्ड केस इज सपोज वन ऑफ योर रूट इज अल्फा एंड अनदर रूट इज माइनस बीटा, देन योर सी एफ विल बी सी वन e raised to power पॉजिटिव टाइम्स अल्फा एक्स प्लस सी टू e raised to power माइनस बीटा एक्स. ओके, सी वन e raised to power अल्फा एक्स प्लस सी टू माइनस बीटा एक्स. नाउ डी क्या हो सकता है, हमारा नेक्स्ट केस क्या होगा? मान लीजिए कि आपके दोनों रूट्स इक्वल हैं. सपोज अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू से ए, मान लीजिए अल्फा और बीटा दोनों रूट्स आपके इक्वल हैं और दोनों का वैल्यू ए है, देन योर सी एफ विल बी सी वन प्लस सी टू एक्स ई रेस टू पावर ए एक्स. ठीक है ना, जब दोनों रूट्स आपके इक्वल हैं तब आपका सी एफ होगा सी वन प्लस सी टू एक्स ई रेस टू पावर ए एक्स. करेक्ट. सपोज अब हमारे रूट्स कुछ इस तरह से हैं, अल्फा प्लस माइनस आई बीटा, तब हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होगा? आर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन विल बी, ये हो जाएगा दोस्तों सी वन कॉस बीटा एक्स प्लस सी टू साइन बीटा एक्स एंड ई रेस टू पावर अल्फा एक्स. करेक्ट. तो दोस्तों इन्हीं रूल्स के आधार पर हम अपना सी एफ फाइंड आउट करते हैं. आशा करते हैं आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी. वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना ना भूलें, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके एग्जाम्पल्स को समझेंगे, सभी रूल्स को वन बाय वन एग्जाम्पल्स के हद से समझेंगे. तो प्लीज जुड़े रहें हमारे साथ, जल्दी मुलाकात होगी आपसे नई वीडियो में. तब तक के लिए नमस्कार.